नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश आज फिर से अरुणाचल प्रदेश के सर्विस कमीशन बोर्ड द्वारा निकली हुई भर्ती को लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आप लोग ज़रूर सम्मिलित होंगे। ये भर्ती अरुणाचल प्रदेश से निकल के आ रही है और सबसे खुशी की बात है कि ये पूरे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले से निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको A to Z हम बता। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 5-7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, और जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं दोस्तों फर्दर डिटेल्स के बारे में। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो कैंडिडेट की एज दोस्तों 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 16th मार्च 2020। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो उसका डिटेल दोस्तों सामने दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में। और जहाँ तक इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन की बात है दोस्तों, तो कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ द UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। और दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी दी जाएगी। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। और इस भर्ती के लिए दोस्तों, जहाँ तक एग्जामिनेशन फ़ी की बात है तो इसमें 100 रुपीज़ फीस है फॉर APST कैंडिडेट के लिए तथा 150 रुपीज़ फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। और इसकी पेमेंट दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से करनी है। इसकी लास्ट डेट है 16th मार्च 2020। दोस्तों, जहाँ तक प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात है तो इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपको फिर दोबारा से आपको अप्लाई करना है फॉर मेन एग्जामिनेशन। और उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा। इसका डिटेल दोस्तों पॉइंट नंबर 21 में दे रखा है पूरे प्लान का डिटेल। और दोस्तों, साथ ही साथ जहाँ तक स्कीम एंड सब्जेक्ट फॉर द प्री एंड मेन एग्जामिनेशन की बात है दोस्तों, इसका डिटेल पॉइंट नंबर 22 में दे रखा है। पार्ट वन में दे रखा है डिटेल की प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न और स्कीम कैसा रहेगा। पार्ट टू में दोस्तों पार्ट बी में दे रखा है मेन एग्जामिनेशन तथा पार्ट सी में इंटरव्यू से रिलेटेड डिटेल दे रखा है। दोस्तों, जहाँ तक प्री एग्जामिनेशन की बात है तो इसके लिए 17 एग्जामिनेशन सेंटर हैं दोस्तों, इनका डिटेल सामने दे रखा है। और इसमें प्रोसीजर भी दे रखा है फॉर होल्डिंग कमेंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पॉइंट नंबर 2 में इसका डिटेल दे रखा है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक वैकेंसी बाइफरकेशन की बात है तो इसका डिटेल इस प्रकार से है। पहला, जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है दोस्तों, इसमें पर्सनल डिपार्टमेंट दोस्तों APCS इंटीग्रेट की पोस्ट है दोस्तों, इसमें 48 वैकेंसी हैं। जहाँ तक होम पोलिस की बात है दोस्तों, तो इसमें भी APPS इंटीग्रेट की पोस्ट है और इसमें 19 वैकेंसी है दोस्तों। तीसरा डिपार्टमेंट दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है दोस्तों। चौथा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडस्ट्री है, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की वैकेंसी है। और पांचवा डिपार्टमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, इसमें लेबर ऑफिसर की 3 वैकेंसी हैं तथा असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की दोस्तों 1 वैकेंसी है। छठे नंबर का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, CDPO बोलते हैं जिसको, इसमें 2 वैकेंसी है। सातवें नंबर का जो डिपार्टमेंट है और लैंड मैनेजमेंट है दोस्तों, इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर TLRSO की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें 2 वैकेंसी हैं। और जो आठवां डिपार्टमेंट है दोस्तों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसमें स्टेशन सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें भी 2 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन से पहले आपको ये काम करना है कि अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको OTR करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्री एग्जामिनेशन के लिए जो आपको अप्लाई करना है उससे पहले। इसका डिटेल पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों, जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट की बात है तो इसकी वेबसाइट का एड्रेस था दोस्तों www.appsc.gov.in। इस पे जाके दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन की बात है दोस्तों, तो इसके लिए लास्ट डेट 16th मार्च 2020 है। तो दोस्तों, ये था सब डिटेल जो मैंने आपको बताया। और इनकेस आप इन वैकेंसीज में से किसी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं,
तो इनकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा इन केस आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू वेरी मच।